दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर आसानी से ऑरेंज जूस कैसे बना सकते हैं और बच्चों को आप घर पर कैसे फ्रेश जूस पिला सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। गर्मियों में आप बच्चों को एटलीस्ट फ्रेश जूस ज़रूर पिलाइएगा। जूस के साथ साथ ऑरेंज का जो पल्प भी है इसमें आएगा। नमस्कार दोस्तों, यम्मी इंडियाज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जूस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 10 ऑरेंज के पीसेस और हमें चाहिए मैनुअल जूसर। उसके बाद हम ऑरेंजेस को इस तरह से दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। सारे ऑरेंजेस को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑरेंजेस को हमने कट कर लिया है। अब हम वन बाय वन एक एक पीस लेंगे और इसे मैनुअल जूसर से इस तरह से इसके ऊपर रख के हाथों से रब करेंगे और हमें इस तरह से जूस निकालना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये इसका जूस निकल गया है। इसी तरह हम एक एक करके सारे पीसेस से जूस को निकाल लेंगे। मैंने सारे ऑरेंजेस के जूस निकाल दिए हैं। उसके बाद हम स्पून की मदद से इस तरह से जो एक्स्ट्रा निकला है उसे हम प्रेस करेंगे और जूस को निकालेंगे। अब हम ढक्कन को हटा देंगे। आप देख सकते हैं होममेड फ्रेश जूस बिल्कुल तैयार है। जूसर के ढक्कन को हम टैप करके इस तरह से इसका वेस्ट निकाल देंगे। अब हम फ्रेश ऑरेंज जूस को ग्लास में सर्व करेंगे। इस तरह से आप ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं। गर्मियों का समय शुरू होने वाला है। बच्चों को घर पर फ्रेश जूस बनाकर दीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें कोई भी केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। इसे आप घर पर बिना चीनी ऐड किए इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और अगर ऑरेंजेस खट्टे हों तो आप थोड़ा सा शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेम रेसिपी को इंग्लिश में देखने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल यम्मी इंडियाज किचन इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।